एक बार माता पार्वती भगवान शिव से, भगवान भोलेनाथ से गुड़ ज्ञान देने का अनुरोध करती है। जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त न हो, वह अमृतत्व का रहस्य प्रभु से जानना चाहती थी। अमृतत्व का रहस्य किसी कुपात्र के हाथ न लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव पार्वती जी को लेकर एक निर्जन स्थान पर गए। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख बंद कर दिया। फिर महादेव ने देवी को कथा सुनानी शुरू की। पार्वती जी थोड़ी देर तक तो आनंद से लेकर कथा सुनती रही, जैसे किसी कथा कहानी के बीच में हुंकारी भरी जाती है, उसी तरह देवी काफ़ी समय तक हुंकारी भरती रही, लेकिन जल्द ही उन्हें नींद आने लगी। उस गुफा में तोते यानी सुख का एक घोंसला भी था। घोंसले में अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी शिवजी की कथा सुन रहा था। महादेव की कथा सुनने से उसमें दिव्य शक्तियां आ गई। जब तोते ने देखा कि महादेव जी कथा सुना रहे हैं और माता सो रही है, कहीं महादेव कथा सुनाना बंद ना कर दे, इसलिए वह पार्वती की जगह हुंकारी भरने लगा। महादेव कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव को पता चल गया कि पार्वती के स्थान पर कोई और हुंकारी भर रहा है। वह क्रोधित होकर सुख को मारने के लिए उठे। सुख वहां से भागकर निकला। वह व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जम्हाई ली और सुख सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश कर गया। महादेव ने जब उसे व्यास की शरण में देखा तो मारने का विचार त्याग दिया। सुख व्यास की पत्नी के गर्भस्थ शिशु हो गए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। सुख ने संसारिकता देख ली थी, इसलिए वह माया के पृथ्वी लोक की प्रभाव में नहीं आना चाहते थे। इसलिए ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले। व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह यह कहकर मना करता रहा कि संसार तो मोह माया है, मुझे उसमें नहीं पड़ना। ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ। वह स्वयं वहां आए और उन्होंने सुख को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद ही सुख ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही सुख ने श्री कृष्ण और अपने माता को, पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर पुकारते रहे, किंतु सुख ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्यास जी चाहते थे कि सुख श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करे, किंतु सुख तो कभी पिता की ओर आते ही न थे। व्यास जी ने एक युक्ति की। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसका आधा भाग शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया, जिधर सुख ध्यान लगाते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी वह श्लोक सुना। वह श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खींचे सीधे अपने पिता के आश्रम तक चले आए। पिता व्यास जी से उन्हें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान प्राप्त हुआ। सुखदेव ने इसी भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।